इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पीसी के अंदर आपको ये वाला एरर दिखाता है, योर कंप्यूटर इज सेट टू यस, और यहाँ पर मीडिया, आपके जो मीडिया प्लेयर है वो नहीं चल पाता है, स्पॉन्डिंग रिस्पॉन्डिंग वगैरह के एरर दिखाता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर? जैसे कि आप कोई वीडियो चलाते हैं तब ये आपको एरर दिखाता है, या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली इसको खोलते हैं यहाँ पर अपने विंडोज़ मीडिया प्लेयर को, तब भी एरर दिखाता है। तो क्या प्रॉब्लम रहती है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका मेन प्रॉब्लम होती है हमारी टाइम एंड डेट रिलेटेड। अब जैसा मैं इसको काटता हूँ और यहाँ पर सबसे कोने पर जाता हूँ, यहाँ पर अपने टाइम एंड डेट पर, और यहाँ से इसको सेट करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर चेंज टाइम एंड डेट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपनी जो करेक्ट डेट है वो लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर आपकी डेट आपके चाहने से भी हो सकती है और बिन चाहे भी कभी कभी ये हो जाते हैं। तो 2019 है और मैं यहाँ पर जो ईयर्स है, जो डेट है, बिल्कुल सेम टू सेम लगा देता हूँ अपने आज के दिन से। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये प्रोसेस लगा देंगे, सारे डेट वेट को सही कर देंगे, उसके बाद मैं मीडिया प्लेयर को चलाता हूँ, तो यहाँ पर ये 100% वर्क करने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर आप कोई सा भी वीडियोस चला सकते हैं, प्रॉपरली आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर चल जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस रहता है बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। अगर लेकिन यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।